कंपनी की कार है, मॉडिफाइड करके हंटर बनाया गया उसको 4x4 भाई, बहुत ही मजा आया। नीतीश भाई आपको वीडियो में दिखाएंगे, छोटा सा ही ब्लॉग रहा हमारा बट मजा है। हेलो एवरीवन, का हाल बताने लोग, हमार नाम नीतीश, बलिया राइडर में फिर से आपके स्वागत करते नहीं। हमनी के आज छोटा सा राइड करते नहीं जाए विक्रम के साथ, ए 4x4 पे, 4x4 जिसको थार में मॉडिफाई किया गया है उसको मैं दिखाऊंगा लुक, और उसका एक छोटा सा राइड है और पब्लिक रिएक्शन हम करेंगे बलिया सिटी में। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और जल्दी से 4 घंटे वॉच टाइम कर दीजिए यार, जितना जल्दी हो सके। एक बार हम उसके ऑनर जिसकी 4x4 है उनसे पूछते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, मिलते हैं विक्रम से। तो हाय हाय विक्रम। हेलो हेलो नीतीश भाई। हाँ बतावा तनी थार के बारे में। यही कहना है कि जीप कंपनी की कार है, मॉडिफाइड करके हंटर बनाया गया उसको 4x4 भाई, बहुत ही मजा आया। नीतीश भाई आपको वीडियो में दिखाएंगे ही, बहुत ही रोमांच है, पब्लिक रिएक्शन दिखाया जाएगा जो कि आपको इनके वीडियो में दिखेगा। और नीतीश भाई एकदम और भी कुछ डिमांड है सब्सक्राइबरों का तो बता देना आप कमेंट करके। बताइए बलिया में जो जो गाड़ी अवेलेबल रहेगी उसमें हम लोग नीतीश भाई की मदद करेंगे वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं आगे। तो आज थार का रिएक्शन देखते हैं, पब्लिक रिएक्शन बलिया सिटी में, और बलिया राइडर में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये भाई चला रहा है और विक्रम पीछे बैठा है, एक नंबर भाई। और देखिए तो यहाँ पे देखिए निकल चुके हैं अभी हम लोग हनुमानगंज से जीरा बस्ती जा रहे हैं, और रिएक्शन देखिए मस्त लाजवाब, ये नज़ारे कुछ अलग ही हैं। पूरी खुली आसमान देखिए, पीछे छत नहीं है, पूरा खुला आसमान, और भाई चला रहा है एकदम मस्त। भौकाल है बलिया में बड़ा लो, तो ये भौकाल है जानते लो, एकदम मस्त वाला भौकाल, फार्चुनर का बाइक आके निकल चुके हैं। और नज़ारे देखिए, लोगों की नज़र है, देखिए कैसे देख रहे हैं भाई, देखा खतरनाक, एकदम पूरा खतरनाक तरीके से लोग पब्लिक देख रहा है यहाँ पे। अभी सिटी में जाने का मौका नहीं मिला हमें क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम है। छोटे से ब्लॉग में हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये देखिए नज़ारे, और ये पूरा खुला आसमान जिससे आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, हवाओं का फील ले सकते हैं। अगर आप सच में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो आप पक्का रिलैक्स हो जाएंगे यहाँ पे आके इस पे बैठ के। और अभी हम लोग RTO ऑफिस पहुँच चुके हैं, देखिए लोगों का नज़ारा, जब अंकल देखा था रंग पूरा, देखो ये भाई देखा था रंग, रिएक्शन खतरनाक मिल रहा है, जो बोल सकते हैं ना ये थार का रिएक्शन लगता है कि हाँ एक पॉलिटिशियन जा रहा है। और ज़्यादातर यहाँ पे इलेक्शन के रैली में यहाँ पे हंटर यूज करते हैं लोग, और फुल टू भौकाल है भाई, फुल टू भौकाल, मतलब मज़ा आ जाता है। और देखिए तो रास्ते देखिए, ये मौसम आज बलिया का अच्छा हो रखा है, ठंडी नहीं लग रही है, और इस मौसम में थार पर बैठने का अलग ही आनंद है, नज़ारे अच्छा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही आपको अच्छे से। और ये देखिए भाई को ड्यूक चला रहा है पीछे, और काफ़ी सही लगा अभी वो बाइक से जाएगा। देखिए कैसे उतरने का नज़ारा एकदम खतरनाक, और वो बाइक से जाएगा घर पे, मज़ा आ गया, कुछ भी कहिए, मतलब मज़ा आता है इतना। और यहाँ पे विक्रम आगे जा रहा है, ब्लैक ब्यूटी भी मेरी छकास है, उसके लिए एक तो लाइक बनता है। जीरा बस्ती हमने क्रॉस कर दिया, लोगों का नज़ारा ही इसमें खतरनाक है, लोग देख रहे हैं अच्छे से घूर के, देखिए मतलब आप बोल सकते हैं ना जो इसका एक्सपीरियंस है, मतलब और कहीं नहीं है खुले में, और अच्छा लगा एक्सपीरियंस, बेटर है।
और इसको मॉडिफाई करके बनाया गया। मैं एक बार इसको लुक दिखाऊंगा आपको, सो देख के आपको एक्चुअल में पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करो लो मरते तन लो बलिया का वालो क्या कर बोलो, शेयर ना कर बोलो तो मजा ना आई। ओ तेरी, सामने पुलिस की गाड़ी, लग रहा है कि आज हमारा पक्का वाला चलान कटेगा। बट वैसे थार पे कम ही चलान कटता है, पुलिस वाले अंकल आगे निकल चुके हैं। तो ये लुक आ चुके हैं अपने ड्यूक पे और हमें लेफ्ट जाना था, इसलिए पुलिस वाले अंकल ने हमें चलान पे छोड़ दिया। हम आपको दिखाएंगे अभी पीछे का लुक, हंटर का पीछे का लुक, और सच में लाजवाब, जबरदस्त, झकास है। मतलब आप बता नहीं सकते हैं इतनी, मतलब इतनी खुशी और इतनी फील आती है ना ये हंटर पे जब आप बैठते हैं। तो हंटर पे असली मजा ना पहाड़ों पे है, वादियों पे, क्योंकि जो हवा आपके शरीर पे, ओ माय गॉड, सनसी आएगी ना, मतलब एकदम खतरनाक वाला। तो आप मतलब एकदम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। मैं क्या बताऊँ, क्या होता है, कुछ चीज़ों का शब्द नहीं हो पाता बयां करना, जितनी मतलब आनंद आता है, मतलब इतना ज़्यादा आनंद, मतलब जैसे आप सोच लो आप चला रहे हो आराम से, फील लेके, गाने बज रहे हैं आपके हंटर में और आप जा रहे हो पहाड़ों पे, तो सोचो हंटर का एक अलग एक्सपीरियंस होगा। कभी फ्यूचर में हम ट्रिप बनाएंगे हंटर से पहाड़ों पे सैर करना। तो जल्दी से भाई अब लाइक कर दो, ठोक दो इस पे यार, कमेंट करना है तो पूछ सकते हो, और ऐसे ही नज़ारे और फील लेते रहो। चलो जल्दी चलना है हमें घर। आगे से लग रहा है ना, देखो जबरदस्त ब्लैक ब्यूटी और हंटर दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब ओ माय गॉड, खतरनाक कलर दोनों का मैच हो रहा है। तो अभी हंटर जाएगी अपने घर के अंदर, तो यहाँ पे पार्क होती है। ब्लैक ब्यूटी हमारी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे R15 उधर बुलेट, और एक और यहाँ पे बुलेट। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर अच्छा लगा इस वीडियो का कंटेंट, अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बलिया राइडर को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर बाइक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है आपको तो पूछना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।